الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو بزرگو अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक मौका और इनायत फरमाया कि हम इस माह मुबारक की रहमतों से और बरकतों से अपने जेबो दामन को भर लें। बहुत सारे भाई जो हमारे साथ पिछले रमज़ान में थे वो अब नहीं हैं, और बहुत सारे हम में से ऐसे होंगे कि जो अगले रमज़ान में नहीं होंगे। हर एक को ये समझना चाहिए कि मेरा भी नंबर आ सकता है, और ये नसीहत की गई है बुजुर्गों की तरफ से कि उद्द नफ्सक मिनल मौत, कि अपने आप को मुर्दा लोगों में शुमार करो। जिंदगी की ज्यादा ख्वाहिश, ज्यादा लालच, ज्यादा उम्मीद तो इंसान को गफलत में डालती है और हकीकत से दूर ले जाती है। और सही बात तो यह है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मालूम नहीं इसका वक्त कब आ जाए। तो इसलिए जो वक्त अल्लाह ताला ने दिया है उसको गनीमत जानना चाहिए। तो अब आज पहला दिन है, अगर हम आज ही से एहतिमाम करें, फिक्र करें कि हम इंशाअल्लाह ताला इस महीने में कमा हक़्क़हू रोज़ा रखेंगे, सही तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करने की कोशिश करेंगे और गुनाहों से पूरे तौर पर बचेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और अगर हम ये समझेंगे कि अभी तो शुरुआत है तो इसी तरीके से फिर बीच में आ जाएंगे और फिर इंतहा हो जाएगी और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अभी जो मैंने हदीस शरीफ आपके सामने पेश की उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान सहरुस्सब्र के रोज़े, सब्र के महीने के रोज़े, और हर माह के तीन रोज़े ये सीने के कीने और वसवसों को और दिल के रोगों को ये ख़त्म करता। तो रोज़े जो हम पर फ़र्ज किए गए हैं इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़े मकासिद हैं। ये बात जो शरीयत ने हमारे ऊपर फ़र्ज की है तो सिर्फ भूखा प्यासा रखना मकसद नहीं है। आज हम रोज़ों के मकसद पर इंशाअल्लाह ताला कुछ अर्ज करेंगे। रोज़ों का मकसद क्या है कि इंसान के अंदर तक्वा पैदा करे। अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, के ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो, परहेजगारी आए, तुम्हारा दिल साफ और सुथरा हो। तो ये हदीस है कि सीने की बीमारी को और सीने की नापाकी को रोज़ा, रमज़ान के महीने के रोज़े और हर महीने के तीन रोज़े ये ख़त्म करते हैं। अगर देखा जाए तो ये दिल के अंदर कितनी बीमारियां होती हैं, इंसान के दिल के अंदर कितने रोग होते हैं, कीने, जलन और निफाक
बदगुमानी, दुश्मनी। तो अगर हम इस तरीके से रोजा रखें कि हमारा दिल पाक साफ हो जाए, मुजल्ला और मुजक्का हो जाए, तो फिर वो हमारे लिए सआदत की बात होगी, सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। ये हमारा रोजा वो हमारे दिलों का तज़किया कर शहरु सब्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसको शहरु सब्र फरमाया, ये है सब्र पैदा करने का मकसद है। रोजों को रखवाकर सब्र का मादा है हमारे अंदर। सब्र का मतलब बहुत आला है। सब्र अगर इंसान के अंदर हो तो वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकता है। सब्र का मतलब होता है बर्दाश्त करना, डटे रहना, घबराना नहीं। तो आज